खोजी पत्रकार नवनीत शर्मा ने प्रेस वार्ता में एक बड़ा खुलासा भाजपा के खिलाफ किया। उन्होंने बताया कि 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राज्य और केंद्र खाते से 49 करोड़ 63 लाख का कोई हिसाब किताब नहीं, पार्टी फंड से ऊपर के ऊपर गायब हो गए। उन्होंने बताया कि चुनाव मॉडल कोड 4 अक्टूबर 2013 को लागू हुआ, जो 8 दिसंबर 2013 को खत्म हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग को इस बीच में पार्टी में इनकम और एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट देनी होती है और 8 दिसंबर को कितना पैसा उनके अकाउंट में बचा यह भी रिपोर्ट देनी होती है। भाजपा स्टेट और केंद्र के खाते में 4 अक्टूबर को 35 करोड़ रुपए थे, जिसमें 8 दिसंबर तक डोनेशन अन्य तरीके से 64 करोड़ 80 लाख रुपए उनके खाते में पहुंच गए। चुनाव में 30 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च हुए, उसके बाद 59 करोड़ 10 लाख रुपए बचे। चुनाव में 30 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च हुए, उसके बाद 69 करोड़ 10 लाख रुपए बचे, मगर रिपोर्ट में बताया गया कि 19 करोड़ 47 लाख बचे। उन्होंने कहा कि फिर 49 करोड़ 63 लाख कौन ले गया। इस रिपोर्ट की वेरीफाई राजस्थान के प्रदेश पूर्व अध्यक्ष अशोक परिणामी द्वारा और सतीश पुनिया द्वारा वेरीफाई किया गया, तो केंद्र की तरफ से कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल और मिनिस्टर रामलाल ने वेरीफाई किया। उसके साथ ही दिल्ली की एक चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी वी के थापर एंड कंपनी ने भी वेरीफाई किया। सवाल यह है कि 49 करोड़ 63 लाख कहां गायब हुए और इसका जिम्मेदार कौन है। एक तरफ भाजपा 20 राज्यों में अपनी सरकार बनाकर बैठी है, जबकि उनकी पार्टी का फंड ही गायब हो सकता है, तो ऐसे में देश के हालात और देश के फंड कैसे गायब हो रहे होंगे, यह गंभीरता का विषय है। राजस्थान के अंदर जब पिछली बार 2013 में इलेक्शन हुए थे, तब चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई किया था 4 अक्टूबर 2013 को, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो गया था 8 दिसंबर 2013 को। और जब भी चुनाव और ये जो दो पीरियड हैं 4 अक्टूबर से लेकर 8 दिसंबर, इसके बीच में हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग के अंदर अपना इनकम और एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं कि उनके पास में 4 अक्टूबर को कितना पैसा था, इन बिटवीन उनके पास में कितना पैसा आया, उन्होंने कितना पैसा किन किन अकाउंट हेड्स के अंदर खर्च किया, और 8 दिसंबर को चुनाव खत्म होने के बाद में उनके पास में कितना पैसा बच गया। ये पूरी रिपोर्ट हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग को देनी होती है। जो डॉक्यूमेंट्स और मैंने आप लोगों को दिए हैं, वो ये बताते हैं कि भाजपा के केंद्रीय कार्यालय और राजस्थान प्रदेश भाजपा दोनों में मिला के उनका पार्टी का कैश और पार्टी का बैंक, यानी कि कैश और बैंक बैलेंस दोनों मिला के पार्टी के पास में 4 अक्टूबर को पैसा था 35 करोड़ और 22 लाख रुपए, 35 करोड़ 22 लाख पार्टी के पास में 4 अक्टूबर को था राज्य भाजपा और केंद्र भाजपा मिला के। इन बिटवीन 4 अक्टूबर से 8 दिसंबर के बीच में पार्टी के पास में टोटल रिसीप्ट बाई वे ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशन, इन सब तरीकों से उनके पास में पैसा आया 64 करोड़ और 80 लाख रुपये। ये सारा पैसा वो है जो मैं कैश और बैंक दोनों मिला के बता रहा हूँ आपको। इस तरह से पार्टी के पास में टोटल पैसा हो गया 100 करोड़ और 2 लाख रुपए। इसमें से पार्टी ने इस पूरे चुनाव के पीरियड के अंदर 30 करोड़ और 92 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया डिफरेंट अकाउंट हेड्स के अंदर। जो मैंने आपको इंक्लोजर्स दिए हैं उसके अंदर 30 करोड़ 92 लाख का बाइफर्गेशन भी दिया हुआ है कि किस किस अकाउंट हेड में कहाँ कहाँ पर कैसे खर्च किया गया है। अब सवाल ये आता है कि जब पार्टी के पास में 100 करोड़ रुपए थे और उसमें से 30 करोड़ और 92 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो सीधे सीधे पार्टी के पास में 69 करोड़ और 10 लाख रुपए बचने चाहिए। लेकिन पार्टी ने यहाँ पे डिक्लेरेशन में जो दिया है, आप लोग देख सकते हैं, उनकी रिपोर्ट ये बताती है कि उनके पास में केवल 19 करोड़ और 47 लाख रुपए बच रहे हैं। तो जहाँ पे कैलकुलेशन ये कहती है कि पार्टी के पास में 69 करोड़ बचना चाहिए था, 69 करोड़ 10 लाख बचना चाहिए था, वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हमारे पास में सिर्फ 19 करोड़ और 47 लाख रुपए बच रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आपका 49 करोड़ 63 लाख रुपए कौन ले गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट में आ रहा है 19 करोड़ 47 लाख रुपए इनका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये 19 करोड़ 47 लाख रुपए। जबकि यहाँ पे अब इस रिपोर्ट को वेरीफाई करते हैं अशोक परनामी जी। आई अशोक परनामी डू हेयर बाई वेरी एंड दिस, यानी कि अशोक परनामी जी इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर जो भी फैक्ट एंड फिगर्स दिए गए हैं उनको ऑडिटर किया गया है बी जैन एंड एसोसिएट राजेश मंगल जी ने, जो जयपुर के हैं। उसके बाद में इस रिपोर्ट को फर्दर वेरीफाइड किया गया है पीयूष गोयल जी की तरफ से। आई पीयूष। इसी के साथ फिलहाल खबरों में